हाय फ्रेंड्स, आज हम लाइफ बोट के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। लाइफ बोट के दो टेस्ट होते हैं, स्टैटिक टेस्ट एंड डायनामिक टेस्ट। स्टैटिक टेस्ट एवरी 5 ईयर्स में किया जाता है ड्राई डॉक पर। ऑन बोर्ड इसको नहीं कर सकते हैं और ऑन बोर्ड ना ही करने का प्रोविज़न हमारे पास होता है। इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? हम 1.5 टाइम्स ऑफ टोटल वेट ऑफ द बोट हम डेबिट पर लगाते हैं। ये जो वेट आपको दिख रहा है, ये 1.5 टाइम्स ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बोट है। अब इस बोट की इस वेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? टोटल वेट ऑफ द बोट यहाँ देखिए, जैसे जो लाइट वेट ऑफ द बोट प्लस वेट ऑफ द इक्विपमेंट प्लस नंबर ऑफ पर्सन, जितने पर्सन की कैपेसिटी आपकी बोट की है, इंटू 82.5 kg, ये हो गया आपका टोटल वेट, इंटू 1.5 टाइम्स। इतना वेट यहाँ पे हैंग करेंगे और इस वेट के साथ एक शोर क्रेन, यहाँ पे शोर क्रेन का हुक यहाँ पे होता है, जिससे कि ये इसको पानी में गिरने से रोकता है, एक इन केस ऑफ यहाँ पे अगर फॉल्स ब्रेक होते हैं तो। ये वेट हैंग करने के बाद आफ्टर सम टाइम मीन्स दोस्तों, यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, हाफ एन आवर, 1 आवर, क्लासिफिकल सोसाइटी इसका टाइम डिसाइड करता है। इसके बाद हम वेट को निकाल के कंडीशन ऑफ फॉल्स, कंडीशन ऑफ ब्रेक, ये सब चेक करते हैं। सबसे मेन बात कि हम ये टेस्ट क्यों करते हैं, ये टेस्ट करते हैं जिससे कि हमको फंक्शन ऑफ द स्टैटिक ब्रेक, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक, स्टैटिक ब्रेक का पता हो सके। दूसरा टेस्ट है डायनामिक टेस्ट। डायनामिक टेस्ट भी सेम है, बस इसमें 1.1 टाइम ऑफ टोटल वेट ऑफ बोट हम हैंग करते हैं और उसको लोअर करते हैं मैक्सिमम स्पीड से लोअर करते हैं और अपना हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं। हैंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद द मैक्सिमम डिस्टेंस एक कवर्ड बाय द बोट शुड नॉट बी मोर देन 1 मिनट। ये इसका डायनामिक टेस्ट है। इसको भी हम ड्राई डॉक पे करते हैं एवरी 5 ईयर्स। थैंक यू दोस्तों।